वैष्णव गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, कौन बाप नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ मेरी अच्छी बने, या कौन ऐसा बेटा होगा जो नहीं चाहता होगा कि मेरे पिता के साथ मेरी अच्छी ना बने। सब चाहते हैं कि मेरे पिता के साथ मेरे विचार अच्छे हों, सब पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे के मेरे साथ विचार अच्छे हों। सेवा करें ना करें, इन सब चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं। जन्म कुंडली का ये विषय बड़ा ही बढ़िया है। पिता के साथ संबंध का विषय जानने के लिए सबसे पहले आपको जन्म कुंडली देखनी चाहिए। तो जन्म कुंडली में कहाँ से क्या देखना है, इसके लिए नवम भाव, दशम भाव और पिता का कारक सूर्य ग्रह है, इसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ग्रहों के कुछ ज्योतिषीय योग हम आपको दे रहे हैं। ये बता सकते हैं कि पिता के साथ संबंध कैसे होंगे, अच्छे, सामान्य, मध्यम या फिर खराब। तो आइए हम चलते हैं, अच्छे संबंध के बारे में पहले बात करते हैं। पिता और पुत्र के बीच में संबंध अच्छे कब होते हैं? यदि नवम घर का कारक, नवम घर का मालिक नवमेश और लग्न का मालिक अर्थात लग्नेश, ये दोनों केंद्र या त्रिकोण में युति कर रहे हो, एक साथ बैठे हो, या केंद्र में या फिर त्रिकोण में, तथा उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक के साथ अच्छे संबंध होते हैं। आप बराबर ये चिन्ह देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। अच्छा, नवम भाव या दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, विशेषतया नवम भाव और नवमेश पीड़ित ना हो, तो पिता के साथ उत्तम होते हैं संबंध किसी भी बच्चे के। अब हम बताने जा रहे हैं सामान्य, यानी कि ना बनती है ना बिगड़ती है, सामान्य स्थिति रहती है। कब? यदि लग्नेश और नवमेश पर शुभ ग्रहों के साथ अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो जातक के पिता के साथ संबंध सामान्य होते हैं। अब खराब संबंध कब होते हैं? अगर नवमेश और दशमेश अशुभ भाव में बैठे हों तथा शत्रु ग्रहों से पीड़ित हों, तो जातक के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। मेरा कहने का आशय आप समझ गए होंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताना अनिवार्य था, क्योंकि ज्योतिष के हर विषय को देना हमारा मूल कर्तव्य है। कैसा लगा वीडियो, कृपया आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे प्यारे से अपने बोल यानी कमेंट लिख दिया करो, जो आपके मन में आए, अच्छा या बुरा, हम सुनकर के मनोबल बढ़ाएंगे और आपको अच्छे विषय देंगे। बस छोटे से वीडियो के साथ लेते हैं विदा। आप सभी को मेरा हृदय से जय श्री राम, नमस्कार।